पृथ्वी शॉ को लगा है 8 महीने का बैन और पृथ्वी शॉ अब नहीं खेल पाएंगे 8 महीने तक क्रिकेट। तो दोस्तों क्या है मामला पूरा हम आपको बताने वाले हैं, पूरा एंड तक आपको बताएंगे कि क्यों पृथ्वी शॉ पे लगा है बैन, किस चलते लगा है पृथ्वी शॉ को बैन और क्या क्या उन्हें क्या किस लिए लगा है बैन। तो पूरा डिटेल वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी शॉ की तो पृथ्वी शॉ इस समय टीम इंडिया के टीम में चोट के चलते बाहर किए गए हैं, चोटिल हो गए हैं, इसलिए वो लगातार क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से। लेकिन अगर बात करें हम पृथ्वी शॉ की तो सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी में 22 फरवरी 2019 को पृथ्वी शॉ का यूरिन सैंपल लिया गया था और उसके तहत उन्हें जब वो उनका यूरिन सैंपल टेस्ट लिया गया तो उसमें उनके कुछ दोषी पाया गया और जिसके कारण उन्हें एंटी डोपिंग प्रोग्राम के कारण इन्हें बाहर किया गया है और इसके कारण इन्हें बैन लगा। क्योंकि ये जब अगर बात करें हम इन्हें क्यों बैन लगा है तो बीसीसीआई के लिए 16 जुलाई 2019 को पृथ्वी शॉ का एंटी डोपिंग रूल वायलेंस के अनुसार अगर हम बात करें पृथ्वी शॉ को कि जो 2.1 के धारा का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया था। पृथ्वी शॉ ने इसके सेवन का इस्तेमाल की बात मानी है और कहा है कि उन्हें खांसी रोकने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया था और बीसीसीआई के तहत अगर हम बात करें तो उस कप सिरप में कुछ ऐसी पदार्थ पाई गई थी जो कि क्रिकेटर्स यूज नहीं कर सकते और उसी के तहत ये अगर बात माने तो हम पृथ्वी शॉ को बैन लगाया है। और अगर हम बात करें तो पृथ्वी शॉ को पूरे 8 महीने तक ये बैन झेलना पड़ेगा। और अगर हम बात करें ये इनका बैन कब शुरू हुआ था तो इनका बैन शुरू हो गया था 16 मार्च 2019 को ही इनका बैन शुरू हो गया था पृथ्वी शॉ का और ये बैन लगातार चलेगा इनका 15 नवंबर 2019 के मिड नाइट तक ये बैन इनका चलने वाला है और इसके बाद ये वो 16 नवंबर से ये इनका बैन हट जाएगा और उसके बाद ये क्रिकेट खेलने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन तब तक पृथ्वी शॉ क्रिकेट से दूर रहेंगे और इसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो बीसीसीआई ने कह दिया है। और अगर हम बात करें पृथ्वी शॉ की तो पृथ्वी शॉ ने अपने पहले ही 14 साल के उम्र में ही 546 रन ठोके थे। अगर हम बात करें तो एक टूर्नामेंट चला था मुंबई में और उसमें पृथ्वी शॉ ने 14 साल के उम्र में ही 546 रन बनाए थे और जिसके कारण उन्हें एक बहुत बड़ा खिलाड़ी माना गया था अगर बात करें मुंबई में। और उसके बाद से पृथ्वी शॉ लगातार अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। और अगर हम बात करें पृथ्वी शॉ की तो पहले ही टेस्ट मैच में पृथ्वी शॉ ने शतक जड़ा था। अगर बात करें वेस्टइंडीज से मैच चला था 4 अक्टूबर 2018 को मैच चला था वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में और इस टेस्ट में पहली पारी में पृथ्वी शॉ ने 154 गेंदों में शानदार 134 रन की पारी खेली थी और उन्हें तब से लगातार टेस्ट टीम में लिया जा रहा था लेकिन कुछ चोट के चलते उन्हें बाहर किया गया। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी शॉ की तो पृथ्वी शॉ को एंटी डोपिंग के केस के तहत इन्हें बाहर किया गया है। अब इनके ऊपर 8 महीने का बैन लगा है जो कि 14 नवंबर को 15 नवंबर को इनका बैन खत्म हो जाएगा और इसके बाद ये क्रिकेट खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मामला पृथ्वी शॉ का। और तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों इस साथ वीडियो खत्म करते हैं।